दोस्तों एशियन डेवलपमेंट अब नाउ एडीबी साइन लोन टू बूस्ट पावर सप्लाई इन बेंगलुरु। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली साइन इतना मिलियन एग्रीमेंट मॉडर्नाइज अपग्रेड बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी के लिए एशियन डेवलपमेंट ने इतना लोन साइन किया। तो भी हम लोग ने असम का पढ़ा, असम के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक और कंट्री का पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक और स्टेट का पढ़ा, फिर अब इसमें हमने इसको पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रो इम्प्रूव करने के लिए अपग्रेड करने के लिए इतने मिलियन का एग्रीमेंट हुआ। तो अकॉर्डिंग टू बेंगलोर स्मार्ट एनर्जी इफिशेंसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट इतना मिलियंस लोन यूज टू इम्प्रोसिव क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी पावर सप्लाई बेंगलोर। इन द एडिशन लोन विल बी यूज टू इंस्टॉल इतना किलोमीटर दीज फाइबर ऑप्टिक कैपेबल शुड बी प्लेस्ड पैरेलल टू अंडरग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन केबल एंड पैरेलल लेइंग अप इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन हेल्प रिड्यूस टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज। मतलब सारी चीज़ें उन्होंने पैरेलल करने के लिए सोची है, जिससे क्या होगा कि जो हमारा टेक्निकल लॉसेज मतलब कम्युनिकेशन लाइन्स विल हेल्प रिड्यूस टेक्निकल लॉस एंड कॉमर्शियल लॉसेज बाय 30%। इससे जो टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉसेज जो होगा कितना 30% कम हो जाएगा। दोस्तों आप इसको इस तरीके से सोचना है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिकल 30% कम होता है, तो जैसे मान लिया हमारा पैरेलल बनाने के लिए कोई बिल्डिंग पड़ रही, क्या पड़ रही, तो उसको कैसे करेंगे। तो वो चीज़ें आपको ऑब्जर्व करते हुए उसके पॉइंट्स आपके लिखने हैं कि सपोज दैट मैं एज आ ये हूँ और मतलब मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में ये सारी चीज़ें करानी है, तो हम लोगों को क्या लॉसेस, क्या प्रॉफिट्स, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स, निगेटिव पॉइंट्स, दीज आर पॉइंट्स हम लोगों को लिखने हैं। सो फाइबर ऑप्टिक केबल विल बी यूज्ड इन स्मार्ट एंड कमर्शियल केसेस बाय रिड्यूज विल बी यूज्ड टू स्मार्ट सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन सिस्टम द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की एडिशन प्रोजेक्ट इंस्टॉल कितना हुआ था, 1700 ऑटोमेटिक रिंग नेटवर्क कैबिनेट कंट्रोल स्विच गियर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। द प्रोजेक्ट एम टू कन्वर्ट ओवर हेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स इंटू अंडरग्राउंड केबल। ओवर वाला मतलब ऊपर वाली जो लाइन्स है सबको अंडरग्राउंड में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। इंस्टॉल फाइबर ऑप्टिक केबल्स पैरेलल विद द अंडरग्राउंड, मतलब फाइबर और अंडरग्राउंड। इंस्टॉल ऑटोमेटिक नेटवर्क इक्विपमेंट 6 डिस्ट्रिक्ट बंगलोर में किया गया। इम्प्रूव इंस्टीट्यूशंस ऑपरेशंस कैपेबिलिटी कंपनी। अब अगली बात करते हैं, ट्राइफेड साइंड एमओयू विथ अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। तो ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम मेमोरेंडम अंडरस्टैंड इस्टेब्लिश्ड ट्राई फूड एंड पार्क का मध्य प्रदेश। हाईलाइट की बात करते हैं तो अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्राइफेड अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड वन धन योजना। दिस विल अचीव मोबिलाइज सेल्फ ग्रुप ट्राई फूड पार्क वन धन विकास केंद्र एंड दिस विल ज्वाइंट प्रोवाइड मशीनरी एंड इक्विपमेंट आइडेंटिफाई सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर दे विल ऑल्सो फोकस एक्टिविटीज सच एज गार्डनिंग एंड फिशिंग एनिमल हस्बेंड्री हैंडीक्राफ्ट। दिस विल मेनली फोकस ऑफ इम्प्रूविंग लाइफ ऑफ ट्राइब्स। इतनी जगह पर हेल्प करेगा। ट्राई फूड इज़ अ ज्वाइंट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इट वॉज लॉन्च इन अगस्त 2020 में हुआ था। लीडरशिप ऑफ वन धन योजना की लीडरशिप में हुआ था और फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स। ट्राई फूड पार्क विल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फ्राम वन धन केंद्र विल बी प्रोसेस एंड सोल्ड नेशन वाइड थ्रू ट्राइब्स एंड इंडियन ट्राइब्स एक्सेप्ट सेकेंडरी फोरकास्ट प्रोडक्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फूड क्रॉप्स डिटरमाइन द एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस कमेटी कॉरपोरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस 24 कमेटी ट्वाइस अ ईयर। अब बात करते हैं इसमें बात करते हैं इंडियन राइस एक्सपोर्ट टू वियतनाम। जो इंडियन राइस एक्सपोर्ट है कहाँ वियतनाम के लिए वो तो देखते हैं।
तो ड्यू टू अट्रैक्टिव प्राइस वियतनाम हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड बाई गेन स्पेशली राइस फ्रॉम इंडिया। वियतनाम इज़ अ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, मतलब वियतनाम थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। वियतनाम हैज़ स्टार्टेड इम्पोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया, जो कि थर्ड एक्सपोर्टर है, जो कि राइज कर दिया, मतलब कि यहाँ से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो वियतनाम हैज़ स्टार्टेड इम्पोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया बिकॉज कंट्री लोकल प्राइस हैज़ जम्प्ड टू हाईएस्ट लेवल 9 ईयर ड्यू टू लिमिटेड डोमेस्टिक सप्लाई, मेनली बिकॉज वियतनाम बिगन स्टॉक लार्ज अमाउंट राइस ऑफ फ्यूचर। इन एडिशन टू प्राइस, इंडिया राइस इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ह्यूज प्राइसेस डिफरेंस फोर्सेस वियतनाम गवर्नमेंट इम्पोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया। इंडिया ट्रेडर्स विल एक्सपोर्ट इतना टन्स ऑफ राइस। वियतनाम इज़ अ प्राइस अप्रॉक्सीमेटली इतना पर टन, वियतनाम का जो प्राइस है कि लगभग इतना $310 पर टन है। इंडिया विल एक्सपोर्ट ब्रोकन राइस वियतनाम इन जनवरी 2000, जनवरी और फरवरी में इन्होंने सप्लाई किया। द ग्लोबल पैंडमिक हैज़ प्रमोटेड वियतनाम अदर कंट्रीज स्टॉक ऑफ राइस, दिस बिकॉज रिडक्शन इन फूड सप्लाई मेक्स पीपल इंक्रीजिंग वरिंग अबाउट द फूड। वियतनाम प्लान्स टू प्रिजर्व इतना राइस, इंश्योर एक्सेस ऑफ फूड एंड इवेंट ऑफ द डिस्ट्रप्शन ग्लोबल कोविड-19 सप्लाई चेन फेसिंग शॉर्टेज इज डिपेंडेंट इम्पोर्ट। द प्राइस ब्रोकन राइस इंडिया रेंज इतना हो गया। द अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ इंडियन राइस हैज़ बीन इंक्रीज डिमांड एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, मतलब जो अट्रैक्टिव राइस इंक्रीज मतलब डिमांड बढ़ा कहाँ, एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज में। एक्सपेक्टेड दैट, ये भी एक्सपेक्ट किया जाए, थाईलैंड एंड अदर एशियन कंट्रीज विल आल्सो ट्रांसफ़र राइस इम्पोर्ट्स टू, देयर फॉर इट इज़ फेसिंग शॉर्टेज एंड डिपेंडेंट द प्राइस ब्रोकन हो गया। तो ये किया गया, अट्रैक्टिव प्राइस इंडियन हैज़ इंक्रीज डिमांड एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, थाईलैंड एंड अदर एशियन कंट्री विल आल्सो ट्रांसफ़र राइस इम्पोर्ट ऑफ इंडिया। अभी भी किया गया, थाईलैंड और अदर एशियन कंट्रीज भी इम्पोर्ट करेंगे। वियतनाम टोटल प्रोडक्शन इन 2020 ड्रॉप इतना परसेंट कंपेयर टू 2019। द वियतनाम राइस एक्सपोर्ट 2020 फेल बाई इतना कंपेयर टू 2019। ये आपका डेटा है। दोस्तों बात कर लेते हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान एक्शन JCDPO। तो ईरान नोटिफाइड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दैट इंटेंटेड प्रोड्यूस यूरेनियम 20% प्योरिटी एक्सटेंडिंग दियर होल्ड्स बाय 2015 वियतनाम, सॉरी वियना एक्वाड JCPOA। अब JCPOA के बारे में जान लेते हैं। तो कॉमनली एज द ईरान न्यूक्लियर डील और ईरान डील एग्रीमेंट ऑन ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, वियना July 14, 2015। ईरान P+1 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चाइना टुगेदर विद यूरोपियन यूनियन। अकॉर्डिंग टू JCPOA, ईरान एग्रीड टू एलिमिनेट इनरिच यूरेनियम स्टॉक, रिड्यूस लो इनरिच यूरेनियम स्टॉक 90.8%, रिड्यूस इट्स गैस सेंट्रीफ्यूज अबाउट 2/3 विद इन 13 ईयर। इन 15 ईयर ईरान विल ओनली इनरिच यूरेनियम अप टू 3.67%। ईरान एग्रीड नॉट टू बिल्ड एनी हैवी वाटर फैसिलिटी ड्यूरिंग द सेम पीरियड। यूरेनियम इनरिचमेंट एक्टिविटीज आर लिमिटेड, सिंगल फैसिलिटी यूजिंग फर्स्ट जनरेशन सेंट्रीफ्यूज 10 ईयर्स, अदर फैसिलिटी विल बी मॉडिफाई अवॉइड प्रोफेलेशन रिस्क। टू मॉनिटर वेरीफाई ईरान कॉम्प्लियंस विद एग्रीमेंट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एंड रेगुलेट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी एग्रीमेंट स्टिपुलेटेड द रिटर्न फॉर ईरान रिसीव रिलीफ फ्रॉम US यूरोपियन के द्वारा रिसीव किया गया। तो जो एग्रीमेंट हुआ दोस्तों, स्टिपुलेटेड दैट रिटर्न फॉर वेरी फेवरेबल कॉम्प्लियंस एंड कमिटमेंट ईरान विल रिसीव रिलीफ फ्रॉम US, यूरोपियन यूनियन सी एंड न्यूक्लियर रिलेटेड सेंक्शन। ऑन 5 जनवरी 2020 अफेक्ट एयर स्ट्राइक ऑन बगदाद, वो आपको याद होगा कौन मारा गया था,
ईरान को जो एयरपोर्ट स्ट्राइक में मारा नहीं गया था, किल्ड ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी। ईरान अनाउंस दैट इट वुड बी लॉन्गर कंप्लाई रिस्ट्रिक्शन ऑफ एग्रीमेंट वुड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेट आईएई रिस्टोर कॉम्प्लेंस। मतलब इससे ईरान अभी भी थोड़ा गुस्से में है, तो गुस्से थोड़ा क्या, बहुत गुस्से में है। अब यूके टू अबोलिश द टैम्पॉन टैक्स। दोस्तों बात करते हैं टैम्पॉन टैक्स की, बात कर लें हम तो क्या होता है। बिगनिंग 2021 यूके अबोलिश 5% वैल्यू एडेड टैक्स BAT का फुल फॉर्म बैट, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स ऑन ओवन सैनिटी प्रोडक्ट कॉमनली रिफर टू टैम्पॉन टैक्स कॉल्ड सेक्सिस्ट एंड ज्वाइंट कंट्री रीजन ऑफ एलिमिनेशन दिस टैक्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड कनाडा। हाईलाइट्स की बात करें तो अंटिल दिसंबर 31 यूनाइटेड किंगडम वाज स्टिल पार्ट ऑफ यूरोपियन। 3 अगस्त तक क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम यूके जो था पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ड्यूरिंग दिस पीरियड रेगुलर प्रोडक्ट सच एज सैनिटरी नैपकिंस टैम्पोन्स वियर क्लासिफाइड नॉन एसेंशियल गुड्स मेंबर ऑफ स्टेट इम्पोज 5% टैक्स ऑन देम। मतलब क्या करता था, 5% टैक्स पड़ता था। टुडे ब्रिटेन हैज विड्रॉ, अब ब्रिटेन क्या हो गया, विड्रॉ हो गया है रैंक ऑफ 27 मेंबर्स स्टेट एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू इट डायरेक्टिव अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव सिंस 1973। हाइजीन प्रोडक्शन बिल सब्जेक्ट टू डायरेक्टिव अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव सिंस 1973 हाइजीन प्रोडक्ट हैव बीन सब्जेक्ट टू 5 डिफरेंट वैट रेट्स लोवेस्ट रेट अप्लीकेबल सिंस 2001 टू 5%। एज अ रिजल्ट टैक्स कैंसिलेशन हैज बीन वेल रिसीव वुमेन्स राइट एक्टिविटीज बेसिक सपोर्ट द EU सेल्फ हैज बीन एबोलिश रेगुलर प्रोडक्ट टैक्स 2018। यूरोपियन यूनियन इश्यूज डिपोजिट चेंज टैक्स रूल बट दीज प्रपोजल येट बीन एक्सेप्टेड बाई ऑल मेंबर्स। द ब्रिटेन गवर्नमेंट इस्टीमेटेड दैट रिमूवल ऑफ टैम्पॉन टैक्स बिल सेव द एवरेज वुमेन्स अबाउट 40 pounds लाइफ टाइम एज पैक ऑफ 20 pounds विल बी चीपर अराउंड 7 pence 12 sanity pints एंड 5 pence। दोस्तों बात करते हैं FCAI/ लिमिटेड ट्रांस फैट लेवल ऑफ फूड। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एजेंसी ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड अमेंडमेंट टू फूड टू लिमिट अमाउंट ट्रांस फैटी एसिड TFA इज अ फैट्स ऑयल्स फ्रॉम करेंट 5 to 3% एंड 2% इन 2020 एंड स्टैंडर्ड प्रोविजन रिस्ट्रिक्शन रेगुलेशन। हाईलाइट की बात करें तो द रिवाइज रेगुलेशन अप्लाई इडेबल रिफाइंड ऑयल वनस्पति मार्जनाइज बेकरी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर कुकिंग मीडिया सच एज वेजिटेबल्स एंड फैट सेपरेट मिक्स सेपरेट। ट्रांस फैट एसोसिएशन विथ इंक्रीज रिस्क हार्ट अटैक, इससे क्या होगा, हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है इंक्रीज होगा, डेथ फ्रॉम कोरोनरी हार्ट डिजीज से। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम WHO जो हमें डेटा मिला, ड्यू टू द इनटेक प्रोडक्शन ऑफ ट्रांस फैटी एसिड देयर आर अप्रोक्सीमेटली इतना वर्ल्ड वाइड ईच ईयर, मतलब इतना डेथ इससे हमेशा होता है जो कि क्या, फैटी एसिड से, इनरिच फैटी एसिड से। WHO आल्सो कॉल्ड फॉर द ग्लोबल एलिमिनेशन ट्रांस फैट्स 2021। ट्रांस फैट्स क्या है, ट्रांस फैटी एसिड ऑन द ट्रांस फैट्स आर द मोस्ट हार्मफुल टाइप्स ऑफ फैट्स कंपेयर्ड विद द अदर डाइटी इंटीग्रिटी एंड मोर हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी। मोस्ट ऑफ दिस फैट्स आर आर्टिफिशली प्रोड्यूस बट स्मॉल अमाउंट इज नेचुरली प्रोड्यूस, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशली प्रोड्यूस होता है लेकिन सबसे कम जो स्मॉल अमाउंट में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। डाइट आर्टिफिशियल आर फॉर्म विथ व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑयल प्रोड्यूस फैट सिमिलर। अब बात करते हैं ट्रांस फैटी एसिड मोस्ट हार्मफुल टाइप्स हो गया, तो TFA फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑयल प्रोड्यूस सिमिलर प्योर बटर एंड डाइट मेन सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइड्रोजनेट वेजिटेबल्स ऑयल्स जो कि PHVO होता है वनस्पति मार्जिनलाइज वेल TFA फाउंड मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इन स्मॉल अमाउंट। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आप लोगों ने देख लिया।
मतलब क्या यूज होते हैं, क्या डेटा है, कहाँ पर पाया जाता है, ये आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों बात करते हैं इंडिजिनसली डेवलपमेंट डीएनए वैक्सीन कैंडिडेट। तो डीबीटी सपोर्ट जाइडू कैडिला इंडिजिनस डेवलपमेंट वैक्सीन कैंडिडेट हुई इन अप्रूव्ड फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। तो दोस्तों इसको तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा मुझे है नहीं, तो फिर कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन डेडिकेटेड टू नेशन। तो प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड कोची मैंगलुरु गैस पाइपलाइन टू द नेशन। दिस इज इतने किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन बिल्ट बाय द एलटीडी। कोची मैंगलुरु नेशनल गैस पाइपलाइन क्या है? इट हैज़ डेली ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी 12 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर एंड ट्रांसपोर्टेशन नेचुरल गैस फ्रॉम एलएनजी स्टेशन इन कोची केरला मैंगलुरु, जो कि दक्षिण कनाडा डिस्ट्रिक्ट में है, वाइल पासिंग थ्रू द एर्नाकुलम पलक्कड़ मलुरम कैन्यूर और कशरगोड एंड रीजन ऑफ द थ्रेशर। लेइंग पाइपलाइन इज इंजीनियर चैलेंज टू बिकॉज रूट पाइपलाइन मेक्स नेसेसरी फॉर ट्रेवल्स मोर देन 100 वाटर। अब जो इंजीनियर के पास बनाने का चैलेंजेस है वो 100 वाटर्स हैं, मतलब कि जैसे कि रिवर्स हो गई ये सारी चीज़ें। तो कोची मंगलूर जो होता है नेसेसरी टू ट्रांसफर मोर देन 100 वाटर्स बॉडीज, दिस इज डन थ्रू द स्पेशल टेक्निक के द्वारा बनाई जाएगी, जिसको क्या कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग मेथड। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आएगा इतना। द पाइपलाइन विल प्रोवाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हाउस होल्ड फ्रॉम पाइपलाइन नेचुरल गैस एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली अफोर्डेबल फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इसके लिए यूज किया जाएगा। द सप्लाई नेचुरल गैस कॉमर्शली एंड इंडस्ट्री सेक्टर वेरियस डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग द पाइपलाइन कंज्यूमिंग क्लीनर फ्यूल विल हेल्प टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड सप्रेसिंग एयर पोल्यूशन, जिससे ये सब चीज़ों को हमें राहत मिलेगी। दिस इवेंट आल्सो माइल स्टोन क्रिएशन एंड वन नेशन वन गैस ग्रिड, ये जो मेन नेम है। बात करते हैं लास्ट टू नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव टू बी हेल्ड। तो काउंसिल साइंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2020 हुआ। द काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च नेशनल फिजिकल एंड सीएसआईआर दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन मेट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2020। द थीम ऑफ द कॉन्क्लेव मेट्रोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशनल। प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो डेडिकेट नेशनल एटॉमिक एंड ओकेशन। द नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल जनरेट इंडिया स्टैंडर्ड टाइम विथ एक्यूरेसी 2.8 नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड का मतलब समझते हैं 10^-9 सेकेंड। अब बात करते हैं एक्रॉस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। एक्रॉस क्या है? एक्रॉस स्टैंड फॉर एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉनिटरिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस। एक्रॉस स्कीम अप्लाइज एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। एक्रॉस क्या है? स्टैंड फॉर एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विस। एक्रॉस स्कीम अप्लाइड टू बी एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। अब इट कवर्स डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वेदर क्लाइमेट सर्विस इंक्लूड वेयरिंग फॉर साइक्लोन्स स्टोम सर्ज हीट वेव्स एंड थंडर स्टोम। एक्रॉस स्कीम कंसिस्ट ऑफ 9 सब प्रोग्राम व्हिच इज आर मल्टीडिसिप्लिनरी एंड मल्टी इंस्टीट्यूशन नेचर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड इन इंटीग्रेटेड मैनर्स। द गोल ऑफ एक्रॉस प्रोग्राम इज टू बी प्रोवाइडर रिलेबल वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्ट फॉर द डेवलपमेंट सोसाइटी। देयर फॉर द स्कीम एम टू इम्प्रूव वेदर क्लाइमेट फोरकास्टिंग स्किल्स एंड कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन इंटेंसिव रिसर्च। द स्कीम इम्प्रूव वेदर क्लाइमेट एंड ओशियन फोरकास्ट सर्विस एंड इंश्योरिंग करस्पॉन्डिंग बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर वेरियस सर्विसेज। तो IFCEA बिकम द मेम्बर ऑफ IOSCO का मतलब, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों IFSCA बिकम मेम्बर ऑफ इसका। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बिकम द एसोसिएटेड मेम्बर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशन। अब IOSCO क्या है ये बात कर लेते हैं दोस्तों।
तो ICSO इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल सिक्योरिटी रेगुलेटरी एंड एजेंसी कवरिंग मोर देन 95% ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट. इट इज ऑल्सो ग्लोबल स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज एंड ICO वर्क क्लोजली विथ G20 के साथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड. डेवलपमेंट स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ इज सिक्योरिटी मार्केट्स. FSB हैज रिकग्नाइज ICSO ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेटरी एज वन की स्टैंडर्ड फॉर द साउंड फाइनेंशियल सिस्टम. अब बात करते हैं हाईलाइट्स की. तो ICO मेंबर्स विल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर ISFA, मतलब ये मेंबर इसके लिए मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन ऑफ एरिया कॉमन इंटरेस्ट ग्लोबल एंड रीजनल लेवल. इन एडिशन ऑफ IOCO प्लेटफॉर्म विल इनेबल ICF से लर्न एक्सपीरियंस एंड बेस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ रेगुलेटरी एजेंसी एंड अदर वेल एस्टेब्लिश फाइनेंशियल सेंटर. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट माइल स्टोन लिंकिंग IFSA विथ ग्लोबल सिक्योरिटी एंड मेक रेगुलर विल मेक ह्यूज कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट एंड सुपरविजन फाइनेंशियल प्रोडक्ट फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एंड सेंटर्स. तो दोस्तों ये रहा हमारा 1 से लेके 5 जनवरी तक का करंट अफेयर दोस्तों. तो आई होप कुछ पॉइंट्स आपको मैं जल्दी जल्दी में बोल गया, तो जल्दी जल्दी भी रीड कर गया. तो दोस्तों आई होप कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि अच्छे से हो सके और आपको इसका PDF में हमारा A1IS NEET नाम से मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, तो उसको आप सर्च कर लीजिएगा, उससे आप हमारे से लिंक हो जाएगा, उस पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी. और आई होप आपको संडे को जो टेस्ट होगा दोस्तों वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि आपको मार्क्स जो भी आएंगे मैं आपको अनाउंस करूँगा कि और आप अपने आप को एवेल्युएट कर पाएंगे. तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप कि आप लोग क्लियर कर सकें, मैं भी क्लियर कर सकूँ. बहुत बहुत धन्यवाद.